आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बिहार शरीफ स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इस्लामपुर विधायक राकेश रोशन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रोड शो महज उनकी घटती लोकप्रियता का प्रतीक है। इस लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बस पर सवार होकर रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हेलीकॉप्टर से लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वह बिहार में अब राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। वहीं युवा जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने वर्तमान सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 15 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार किसानों की समस्याओं को दूर करने में विफल रहे हैं। अफसोस की बात है कि नालंदा जिले की 3 नदियां अब पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं, जिससे किसानों के बीच काफी संकट पैदा हो गया है। आज की बैठक हम लोग किए नालंदा लोकसभा चुनाव में। हमारे जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के माले के संदीप सौरभ जी, उनके जीत के संबंध में और उनके चुनाव को किस रूप में नालंदा में संचालित किया जाए, क्या क्या हम लोगों को तैयारी करना है और किस रूप में हम लोगों को अपना राजनीतिक अभियान चलाना है, इन्हीं सब बातों पर आज हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल का नालंदा जिला कमेटी का बैठक बुलाया था। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से जनसभा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके नक्शे कदम पर अब रोड शो कर रहे हैं बस के, कभी पहले ऐसा हुआ नहीं था, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं और नीतीश जी रोड से कर रहे हैं, इससे कोई देश का मुद्दा तय तो नहीं हो रहा। ये सब आप लोग अनर्गल बातें आप लोग सिर्फ सुर्खियों में रखने के लिए करते हैं। समय के बचाव के लिए यदि तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर चढ़ रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जी अब समझ रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता जनता के बीच कम गई है, हम सिर्फ हेलीकॉप्टर से जा कर के जनता को अपने पक्ष में गोलबंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस सड़क मार्ग पर आ गए। यानी उन्होंने अपना हार स्वीकार कर लिया। अब एक तरह से वो समझ लिए कि हमारी स्थिति अब ये है कि हम हेलीकॉप्टर से घूम के बिहार में प्रचार करके जनता को संगठित नहीं करेंगे। हम लोग प्रचार करके जमीन पर उतरेंगे और जमीन पर ही हम प्रचार करेंगे। तो ये एक उनका स्वीकारोक्ति है कि वो अपने आप को राजनीतिक रूप से कमजोर समझ रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के नालंदा जिला पार्टी कार्यालय में सभी प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता के साथ, जिला कमेटी के साथ बैठक हुई। बैठक में जो जिला का ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा पे आज हम लोग ने चर्चा की है और आगे की जो लड़ाई है नालंदा, इस पे हम लोग जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जो आपस में जो रणनीति तैयार किए हैं, वह वर्कर को बताया गया है कि हम लोग को किस तरह से प्रचार प्रसार करना है ताकि ये चुनाव हम लोग जीतें और भारी से भारी मतों से जीतें। चुनाव जीत है, तय है। यहाँ की जो जनता के जो मुद्दा है, जैसे किसान की मांग क्या है, किसान की मांग है आज तक ना नालंदा जिला में 2 से 3 नदी ऐसे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं। लोगों का ये मांग रहा कि नदी का जब उड़ाही होगा तो इसमें पानी आएगा, फल्गु नदी से जुटेगा। यह किसान के एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जो कि किसान 15 वर्षों ने यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं इस मुद्दा के कभी सदन में नहीं उठाएं कि नालंदा के जो किसान की मुद्दा है, नौजवान छात्र की मुद्दा है, रोजगार की मुद्दा है, कमाई का मुद्दा है, दवाई का मुद्दा है। आज तकला मोदी जी 10 साल बीत गया, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहें, आज तकला कोई नौजवान के मिला नहीं। तो सब जितने भी यहाँ के नौजवान छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सब में निराशा है। उन लोग सब एकदम मजबूत से एक साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं और हम लोग यहाँ नालंदा चुनाव जीत रहे हैं। मजबूती से भारी संख्या मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए, एक दो सबसे शिक्षित होनहार और JNU का प्रोडक्ट यहाँ माले के कैंडिडेट के रूप में भेजे गए हैं नालंदा, जो सबसे बड़ी बात है। 20 साल के इतिहास में इतना मजबूत, इतना काबिल कैंडिडेट नालंदा को नहीं मिला था। 4 चुनाव हम देख चुके हैं। तो कैंडिडेट बहुत एनर्जेटिक हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं और प्रेजेंट MLA हैं। तो एक मजबूत साथी के लिए हम लोग इस बार लगे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ वाम दल, कांग्रेस, VIP सारे पार्टी के लोग मजबूती से लगे हुए हैं
और एक बड़ा वोट बैंक कैंडिडेट के साथ अपना है वाम दल का माले का, और जो राजद का कैडर वोट है, कांग्रेस का कैडर है, वीआईपी का, सब लोग बड़े तादाद में इस बार सब लोग हम लोग लगे।